इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा नवनियुक्त चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम रविवार को भव्यता के साथ संपन्न हुआ, लेकिन जिला अध्यक्ष की दौड़ में लंबे समय तक बने रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद सिसोदिया का कार्यक्रम से दूरी बनाए रखना चर्चा का विषय बना रहा। साथ ही बेगू विधायक राजेंद्र विदुड़ी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सहित दर्जा प्राप्त मंत्री और पूर्व विधायक मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा अभी हाल ही नवनियुक्त चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजना, सरकार से दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, बड़ी सादरी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, आनंदलाल खटीक, हनुमंत सिंह बोहेड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रमोद सिसोदिया पूर्व में छात्र संगठन सहित यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से सिसोदिया जिला अध्यक्ष के पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन प्रदेश संगठन ने इन्हें दरकिनार करते हुए भेरूलाल चौधरी की ताजपोशी कर दी। नवनियुक्त चौधरी वर्तमान में कपासन पंचायत समिति के प्रधान होने के साथ ही संगठन में ही करीबी आधा दर्जन से अधिक पदों पर काबिज है। इधर जिले के बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी का कार्यक्रम से दूरी बनाए रखना भी लोगों में चर्चा का विषय रहा। मैंने अपने पैर सकड़े कर लिए, ये नहीं कि मेरा कद छोटा हो गया था, लेकिन परिस्थितियां जो थी उस कारण से मैंने अपने पांव समेट लिए, लेकिन अब पांव समेटने का समय नहीं है। अब ताकत के साथ हमें लड़ना है और मेरा हीरो साहब के सामने वादा किया है कि चित्तौड़ जिले की जिस सीट पे भी आवश्यकता होगी जोड़ेंगे और मेरा टिकट भी कट जाए तो इसी ताकत से काम करूंगा ताकि पार्टी में और सरकार बन जाए तो मेरी इमेज बराबर वही बनी रहे। यही निवेदन करना चाहता, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भेरूलाल जी के इस पदभार ग्रहण के मौके पर आप पधारे हैं तो यही कार्य किया जाए कि आपके लिए आपका नेता सर्वोपरि नहीं है, आपके लिए आपकी पार्टी सर्वोपरि है। ये कसम देकर इस पंडाल से जाएंगे तो पार्टी के साथ न्याय कर पाएंगे। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन ओपन